أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम P5 के एक नए पेपर के साथ हाजिर हुए आपकी खिदमत में। आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये बहुत ही छोटा पेपर है, ठीक है। ये मई जून 2021 का वेरिएंट 5-1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, ठीक है। और ये खुशकिस्मती आपकी है कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा है, लेकिन इसके मार्क्स कितने हैं? 14, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के काम से। और आज की डेट जो है वो 27/10/22 है, ठीक है। बढ़ाते हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो अब आपने क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिया होगा। सो क्वेश्चन का सबसे जो पहला पार्ट है वो तो ये कह रहा है कि स्टेट दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कैटलिस्ट। अच्छा, फॉरगेट एवरीथिंग, शुरू करने से पहले चंद चीज़ें आपको रिवाइज करवानी पड़ेंगी, चंद चीज़ों आपको अटेंटिव रखने के लिए सबको जो है वो मैं जरा वो करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक सेकंड, देखिए एक नया तरीका मैंने ढूंढा है स्क्रीन शेयरिंग का, तो जरा आजमा रहे। ओके, नया सबसे पहले जो है वो आपको बात जो नई इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो तो ये है कि आपने ओ लेवल्स में रेट ऑफ रिएक्शन का जो जब चैप्टर पढ़ा था और जिसको आप ए लेवल्स में रिएक्शन काइनेटिक्स के नाम से पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कौन से 5 कंडीशंस होती हैं जिससे रेट जो होता है वो इफेक्ट होता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। सो द फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन जो होता है वो किसके लिए होता है? सॉल्यूशंस के लिए होता है। उसके बाद आपके पास होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या पार्टिकल साइज, दोनों कुछ भी, ठीक है। उसके बाद होता है टेम्परेचर, उसके बाद होता है प्रेशर, और लास्ट में होता है कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपको सब पता है, आपको सबकी कंडीशन भी पता है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमने नेम करना है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइदर कैटलिस्ट होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट से बेहतर आंसर होगा टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ये है ना, तो टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड आपने बताने हैं। तो आई थिंक ये जो है ये बेहतर आंसर है, ठीक है, कि टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखें। कैटलिस्ट जो है ये इतना करेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन आप कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल नेम करना है, तो इंडिपेंडेंट आपने कर दिया, कैटलिस्ट को आप ना लिखो, आप टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड पर यूनिट टाइम। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि जब आपको लाइन दी हुई होती है तो छोटा छोटा करके लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप उसने आपको बहुत कम जगह दी है। स्टेट टू वेरिएबल्स दैट वुड नीड टू बी कंट्रोल्ड, जी टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो उसने, अगर आप क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ें, वहीं पर उसने लिखा हुआ है कि ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज क्या मेंटेन करनी होगी? वो सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड, ठीक है। जिस जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा उसका सरफेस एरिया जो है वो आपको देखना होगा उसके बारे में।
उससे अगला पार्ट जो है वो ये है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द असेंबल्ड एपरेटस दैट कुड बी यूज्ड टू कैरी आउट दीज एक्सपेरिमेंट्स। द एपरेटस शुड अलाउ द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बेसिकली आपने यहाँ पे डायग्राम सा बनाना है कि आपके पास कौन सा है, अपने अपरेटस का डायग्राम बनाना है। सो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं यहाँ पे अब बनाऊँ, लेकिन मैं आपको जो डायग्राम है वो दिखा देता हूँ ज़रूर, जो मैंने पेपर पर बनाई है। जी, सो आई एम श्योर ये आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपने यहाँ पे बनानी है। ये दो डायग्राम्स मैंने बनाई हुई है, ये दो की दो डायग्राम जो है ये डिफरेंट है, तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली ये दो डिफरेंट डायग्राम है। ठीक है, जो टू डिफरेंट डायग्राम्स, ये पहली डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है। आप इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। जी, ड्राइंग मेरी बहुत प्यारी है, मुझे पता है ये ड्राइंग। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है H2O2 पड़ा हुआ है, और ये जो पड़ा हुआ है आपके पास कैटलिस्ट है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये एक सेपरेटिंग आपने वो डाला हुआ है कि दो चीजों को आपने सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए आप ये करोगे कि आप ऐसे कॉनिकल फ्लास्क को हिलाओगे। ठीक है, तो वो जो है ये आपस में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब ऑक्सीजन गैस जब प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस जब प्रोड्यूस होगी तो ये यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर यहाँ आ जाएगी, और ये जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, और ये जो क्या बना हुआ है, ये एक गैस रेंज है आपके पास। ठीक है, तो ये गैस रेंज पे कलेक्ट हो जाएगी। ये गैस रेंज का प्लंजर बना हुआ है, गैस रेंज की वो ट्यूब सी है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैलिब्रेशन हुई हुई होंगी गैस ट्यूब पर। और आप देख सकते हो कि आपके पास ये चीजें मौजूद हैं दो। ठीक है, ये और ये मौजूद है। ये किसके इसलिए मौजूद है कि जो ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी, इसको एस्केप नहीं होने देगा वो। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस जितनी भी होगी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे ऊपर एस्केप करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे कलेक्ट हो रही होगी। ठीक है, सो ये इसलिए आपके पास जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही होगी। ठीक हो गया, ओके, अंडरस्टूड, गुड। इसी तरह अगर आप जो हो वो सेकंड मेथड देख रहे हो आप यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जरा कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती है। ये आपके पास जो लिक्विड सा पड़ा हुआ है ये H2O2 है। ठीक है, और ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसको आपने धागे से ऐसे करके बांधा हुआ है। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कैटलिस्ट जमा किया हुआ है। अब जब आपने इन दोनों H2O2 और कैटलिस्ट को रिएक्ट करवाना होगा, तो आप जो हो ये कॉनिकल ये जो आपके पास ये जो बंग है इसको आप ओपन करोगे, हल्का स्लाइटली ओपन करोगे, और ये जो धागा होगा ना ये वाला, ये जो ऐसे करके यहाँ से वो होगा, इसको आप यहाँ से कट कर दोगे, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये नीचे गिर जाएगी H2O2 के अंदर, और ये आपस में जो है वो, और आप हल्का सा आप कॉनिकल फ्लास्क को मूव करोगे, हिलाओगे, तो वो आपस में रिएक्ट कर जाएगी। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी, ऊपर से ऑक्सीजन गैस उठेगी, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, और अगेन उसी तरह से जैसे हमने पहले देखा, ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी। ठीक हो गया, बस। सो आपने ये दो डायग्राम जो है वो बनाने हैं अपने उसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक हो गया,
अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट देखिए, देखते हैं कि डी पार्ट 1, व्हाट मेजरमेंट्स नीड टू बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट टू अलाउ द इनिशियल रेट टू बी डिटरमिंड। तो कौन सी इनिशियल रेट डिटरमिंड के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखिए, हाउ इज इनिशियल रेट डिटरमिन यूजिंग दीज मेजरमेंट्स। अब इनिशियल रेट आपने डिटरमिन करना है, तो इनिशियल रेट आप कैसे डिटरमिन करोगे, आप लिखोगे कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट टाइम एंड देन ड्रॉ टेंजेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपने इनिशियल रेट फाइंड करना है ना, तो आप जो हो वो इनिशियल उस पर ग्राफ बनाओगे। नहीं समझ आया? देखो देखो बेटा, उसने कहा ना कि आपने जो है ओके ठीक है, देखो उसने कहा कि आपके पास ये ग्राफ था एक, ये यहाँ से आपके पास जो है वो ग्राफ आ गया। ठीक है, और अब आप जो हो वो यहाँ से ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब आपको जो है वो चाहिए टाइम 0 पर ग्रेडियंट। टाइम 0 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है टाइम 0। तो आप क्या कहोगे कि आपको टाइम 0 पर अगर चाहिए तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे टेंजेंट बना दोगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बन जाएगा तो इस टेंजेंट का जो है वो आप इस टेंजेंट का बन जाएगा, ये एक टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट का जो है वो ग्रेडियंट निकालोगे तो आपके पास जो है वो इनिशियल रेट आ जाएगा। ग्रेडियंट निकालोगे तो आपके पास इनिशियल रेट आ जाएगा। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। ओके, हाउ कैन द स्टूडेंट इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल। सो क्या करोगे, एक ही चीज है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक द एवरेज। ठीक हो गया। ओके, नंबर एफ पार्ट, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव मेथड टू इन्वेस्टिगेट दिस रिएक्शन व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ गैसेस। अब ऐसा मेथड बताएं व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ गैस जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना अगर आपने। ठीक है, सो आप क्या करोगे, तो आप ये लिखोगे कि इंस्टेड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस डिटरमिन द मास ऑफ रिएक्शन फ्लास्क डिक्रीज। डिटरमिन गलत हो गया, डिटरमिन द डिक्रीज इन मास ऑफ रिएक्शन फ्लास्क ओवर
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया, तो आप ये करोगे। अगला पार्ट जी पार्ट देखो। वंस द रिएक्शन हैज फिनिश्ड, हाउ कैन द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द मेटल ऑक्साइड हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द रिएक्शन। तो आप ये कहोगे कि फिल्टर कर दोगे, फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर मेटल ऑक्साइड विल बी लेफ्ट एस रेजिड्यू ठीक है, रेजिड्यू ड्राई एंड वे इफ मास इज इक्वल टू इनिशियल मास इट हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड। ठीक हो गया, सो दिस इज द ओनली आंसर ऑफ दिस। आखिरी पार्ट अगर आप देखें कि व्हेन एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड देयर इज अ स्मॉल होल इन द लिड ऑफ द बॉटल, सजेस्ट व्हाई दिस इज नेसेसरी। सो आप क्या लिखोगे कि एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर कंटेनर कैन गेट कैन बर्स्ट बर्स्ट सो अ होल मस्ट बी देयर टू अलाउ ऑक्सीजन गैस टू एस्केप इन टू दी एनवायरमेंट। ठीक हो गया, ओके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है और आपको 14 out of 14 marks मिल जाते हैं। दिस इज दिस वॉज इट फॉर टूडेज P5 क्लास लेक्चर। वी विल मीट विद यू विद द नेक्स्ट लेक्चर एंड एंड इन द मीन टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।